बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया ट्रेवल बाय साइकिल से निकले हैं हम लोग। तो फिलहाल अभी हम हैं असम के गोलहाट डिस्ट्रिक्ट के नौजर में। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि रात में जो है एक भैया हमको रोक लिए, बोले कि आज आप लोग जो है बॉर्डर पे हैं, बोले तो नागालैंड के बॉर्डर पे ही हैं हम लोग। तो बोले कि आज नाइट जो है आप हम लोग के पास रुकिए। तो फिलहाल हम लोग भैया के ही पास रुके और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला यहाँ पे, जो एक फैमिली मेम्बर के जैसा। और इतना प्यार मिला कि मैं बता भी नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बयां कर पाऊँ। मैं मिलवाता हूँ भैया से और भैया को अलविदा कह के निकलने वाला हूँ यहाँ से अभी। और बहुत ही अच्छा लगा, एक फैमिली मेम्बर के जैसे एक साथ सब मिल करके हम लोग खाना वगैरह खाए, वो आप क्लिप देख सकते हैं आगे जो है। तो गाइस, ये है ह्यूमैनिटी, खास करके असम में इस तरह से बहुत ही प्यार मिलता है। यहाँ पे ना नेम पूछा जाता है, ना मजहब पूछा जाता है, और इस तरह से प्यार मिलता है कि गाइज मैं बयान ही नहीं कर पाऊँ। तो उम्मीद है कि हर जगह इसी तरह से मोहब्बत रहे, हर जगह इसी पावर मिलेगा। तो गाइज, आज चलते हैं हम लोग यहाँ से नागालैंड के लिए। तो बाय कर दीजिए, मिलते हैं फिर सफर में। गाइज, काफी अच्छा लगा, एक फैमिली मेम्बर के जैसा प्यार मिला यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर आप सबसे सफर में। तो हेलो गाइस, जैसा कि मैं बता दूं, अभी फिलहाल हम लोग हैं असम के नौजन में और निकल रहे थे हम लोग यहां से नागालैंड के लिए। तो अभी हमको सफर में भैया लोग रोके और भैया लोग बोले कि एक सेकंड रुकिए, आप लोग को कुछ पिलाते हैं ठंडा वगैरह। जैसा कि आपको पता ही है, 18वां दिन है, 18 दिन हम लोग का असम में गुजरा है और इस तरह से प्यार बरसता है जैसे कि बारिशें बरसती है। खास करके ये असम में बहुत ही प्यार मिला है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चारों साइड जो है भैया लोग हैं। और काफी अच्छा लगता है गाइस, इस तरह से जब सफर में प्यार मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। भैया लोग आप सब हाय कर दीजिए एक बार जो है। हाय। तो गाइस, मिलते हैं फिर सफर में, आप सभी प्यार दिखाइए। तो मिलते हैं नागालैंड की साइड। देखते हैं मेरी साइकिल है ये, और 5 स्टेट कवर करने के बाद इसकी सर्विसिंग हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी गंदी हो गई थी और भैया अभी धो रहे हैं, ये लीजिए। और थोड़ा प्रेशर मार दीजिए नीचे हाँ, वहाँ पे हाँ प्रेशर मार दीजिए, देख लीजिए गाइस। तो ये हमारी साइकिल धुलाई हो रही है और इससे अभी ये जो है बम्पर मार्शल ही धुलाई हो रही थी। फिलहाल अभी हम सोचे साइकिल को धुलवा लेते हैं, भैया धो रहे हैं। तो मिलते हैं फिर सफर में। तो फाइनली गाइस, हम लोग नागालैंड इन करने वाले हैं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले हैं। और इधर का मौसम जो है काफी कूल लगने लग गया है, असम के मुकाबले में काफी चिल मौसम होने वाला है इधर का। और वैसा दिख रहा होगा ये धूप, लेकिन हाँ वेदर जो है ना ठंडा फील हो रहा है इधर, लग रहा है कि हाँ आ गए हम लोग नागालैंड पहाड़ियों के इलाके में। और इन करने से पहले दो भाई से मुलाकात हुई, यार क्या बोले इतना अच्छा लगा ना ये सीन, काफी औसम सा नजारा है। अभी नागालैंड, आप सब नागालैंड से हैं, चलिए आपका क्षेत्र घूमते हैं। कितना दूर इन कर जाएंगे अंदर? कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर इन कर जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग इन करने वाले हैं अभी कुछ ही सेकंड में, बोले तो नागालैंड। जैसा कि 5 स्टेट कंप्लीट हुआ आप सबको पता है ना, और 6th स्टेट इन करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा। वेलकम टू डिमापुर नागालैंड। तो गाइस वेलकम है आपका नागालैंड में। तो चलते हैं अंदर। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है मॉर्निंग में निकल रहे थे नौजन से नागालैंड के लिए। तो फाइनली हम लोग नागालैंड इन कर चुके हैं। जैसा कि 36 किलोमीटर सफर तय करने के बाद आपका वेलकम हो गया है नागालैंड में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू दीमापुर, बोले तो नागालैंड का सबसे बड़ा सिटी है। तो इन करते हैं और जैसा कि मैं बता दूँ, 36 किलोमीटर सफर तय करने में हमारे साइकिल का जो है 36 बार चैन उतरा है। तो गाइस, ये कठिनाई होता रहेगा और हमारा सफर रुकने वाला नहीं है। और मिलते हैं फिर नागालैंड के सिटी में, बोले तो दीमापुर में। तो चलते हैं।
कोहिमा 71 किलोमीटर और इम्फाल 205। भाई साहब इम्फाल भी जाना है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दीमापुर डिस्ट्रिक्ट, बोले तो नागालैंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। और रात के 7:30 बज रहे थे और रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल पा रहा था हमें। तो गाइस परेशान होने के बाद फाइनली हमको जो है एक सेकेंडरी हाई स्कूल मिला है, जैसा कि वो अभी बन ही रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं रुकने का सोचा था तो यहाँ के लोगों से परमिशन लेना पड़ा, आईडी प्रूफ वगैरह दिखाया, उसके बाद हमें यहाँ पे रुकने के लिए बोला कि हाँ रुक सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि काफ़ी अंधेरा है अभी फ़िलहाल, मैं रेहान के फ़ोन से जो है लाइट जलवाया हूँ तो मैं वीडियो बनवा रहा हूँ। जैसा कि ये देख लीजिए, ये रहा तो ये रहा गाइस, रोशनी भी नहीं है, काफ़ी अंधेरे में है हम लोग, और मैं काफ़ी अंधेरे में है गाइस। और आज का व्लॉग जो है गाइस आपके दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में ही एंड करते हैं। और आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।